नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बरेली की प्रमुख खबरों पर। और बरेली की आज की प्रमुख खबर विश्व विख्यात राम बारात से जुड़ी हुई है। जी हां, 163 सालों से लगातार निकल रही राम बारात आज भी बड़ी धूमधाम के साथ निकली। बरेली के ब्रह्मपुरी नरसिंह मंदिर से शुरू हुई ये राम बारात पूरे शहर में घूमती है। दिन भर राम बारात शहर के तमाम प्रमुख मोहल्लों में होती हुई फिर ब्रह्मपुरी में ही पहुंचती है। इस राम बारात की महानता यह है कि 163 सालों से लगातार चल रही है, विश्व धरोहर घोषित हो चुकी है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा जो राम बारात होती है उसमें हजारों की संख्या में हुरियारे होते हैं। आगे आगे बाराती के रूप में जो बाराती होते हैं वो हुरियारे होते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं, अबीर गुलाल डालते हैं, मोर्चेबंदी होती है, बड़े बड़े पंप होते हैं जिससे एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और इसके साथ में पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम होते हैं। अगली खबर फरीदपुर थाना क्षेत्र के परा मोहल्ले की है, जहां पर 65 साल की एक बुजुर्ग महिला को महज 25 रुपए के लिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल मामला यह है कि शराब खरीदने के लिए 25 रुपए कम पड़ रहे थे। जब 25 रुपए मांगे तो वो देने से मना करने पर पहले तो लड़कों को मारा पीटा और उनको बचाने उनकी जब माँ आई तो उसको भी बेरहमी से मारा पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा लिखकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर भीम आर्मी के नेता अमन भारती पे हुए मुकदमे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अमन भारती पर आरोप है कि उन्होंने 2800 मकान तोड़ने का बीडीए के खिलाफ एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसकी जानकारी जब बीडीए को हुई तो बीडीए के इंजीनियर ने इस मामले में एक मुकदमा अमन भारती के खिलाफ दर्ज कराया है। दरअसल जो वीडियो शेयर किया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम लोगों के घरों पर लगातार योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। जब इस बात की जानकारी बरेली विकास प्राधिकरण को हुई तो उसने इसका खंडन किया और उसने बताया कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बरेली की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।